दोस्तों आज के हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि कार या अन्य किसी भी गाड़ी जिसमें कि बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बैटरी को लगाते समय में मुख्य तौर पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और बैटरी के टर्मिनल्स को किस क्रम में लगाना या फिर हटाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गाड़ियों में सामान्य तौर पर लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लिथियम आयन बैटरी का भी अच्छा विकल्प है लेकिन ये महंगी होती हैं, पर इनका जीवन काल लेड एसिड बैटरी से कहीं अधिक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव जिसमें कि प्लस का निशान बना होता है और दूसरा नेगेटिव जिसमें कि माइनस का निशान बना होता है। सामान्य तौर पर पॉजिटिव टर्मिनल में रेड कलर का वायर लगा होता है और नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट किया होता है। हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि गाड़ियों में सामान्य तौर पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सीधे ही गाड़ी की मेटल बॉडी से कनेक्ट किया हुआ होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि गाड़ी से बैटरी हटाने के बारे में। तो गाड़ी से बैटरी को हटाते समय सबसे पहले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को गाड़ी से हटाना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल को हटाना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को पहले क्यों नहीं हटा सकते। तो इसका जवाब यह है कि जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल गाड़ी की मेटल बॉडी से कनेक्ट होता है, यानी कि गाड़ी में नेगेटिव चार्ज उपलब्ध होता है। और अगर हमने पहले पॉजिटिव टर्मिनल को हटा लिया तो हो सकता है पॉजिटिव टर्मिनल गाड़ी की मेटल बॉडी से टच हो जाए, जिसकी वजह से बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और बैटरी के टर्मिनल से चिंगारी उत्पन्न होगी। हो सकता है एक्सीडेंट जैसे हालात भी उत्पन्न हो जाएं। अभी तो हमने बात किया बैटरी को गाड़ी से हटाते समय सावधानी के बारे में, अब बात करते हैं बैटरी को गाड़ी में लगाते समय सावधानी के बारे में। बैटरी को गाड़ी में लगाते समय इसके विपरीत कार्य करना चाहिए। पहले पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल को। इसके अलावा पॉजिटिव टर्मिनल को टाइट करते समय हमें रेंच का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, जिससे रेंच गाड़ी की मेटल बॉडी से टच ना हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।